In that before the exam we were discussing chapter number 6 on the face of it. On the face of it हम लोग discuss कर रहे थे. तो मुझे लगता है विस्टास में केवल एक chapter बचा हुआ है and three chapters have been remaining in Flamingo. So अभी book में हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं. From today we will start writing section. आज से हम लोग writing section शुरू करेंगे. Though we have discussed it earlier in the month of May, April and May. April और May के month में हम लोग इन topics को discuss कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से discuss करते हैं. तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि delete क्या क्या हुआ है and what you have to study और आपको पढ़ना क्या है. तो देखिए question number 3 से शुरू होता है जो आपका section B है. Section B, writing section, it contains 30 marks. ये 30 marks का आपका section है जो हम लोग अभी discuss करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. And for 30 marks you have to opt 4 question. और इन 30 marks के लिए आपको 4 question solve करने होते हैं. और जो सबसे पहला question होता है section का, जो according to question paper question number 3 होगा. क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर 4 मार्क्स. ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर के लिए आपको 4 टॉपिक पढ़ने. एक टॉपिक डिलीट हो गया लेकिन फिर भी अभी 4 टॉपिक पढ़ने हैं. सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है नोटिस, इसके बाद इसी में पढ़ेंगे इन्विटेशन. फिर इसी में पढ़ेंगे रिप्लाई और लास्ट में इसी में पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट. ये 4 टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं. इसमें से एक टॉपिक डिलीट हो गया है इस साल के लिए एंड दैट इज पोस्टर. वैसे पोस्टर भी पढ़ने होते थे, वो भी आते थे, लेकिन पोस्टर को डिलीट किया है. तो ये 4 टॉपिक हम लोगों को करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 4, लेटर. पहले 4 लेटर आते थे, ऑफिशियल, एडिटर, बिजनेस और जॉब. अब आपको केवल 2 लेटर पढ़ने हैं, एडिटर लेटर और जॉब लेटर. ये केवल 2 लेटर बचे हैं, 2 लेटर यहाँ से डिलीट हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5, केवल आर्टिकल यहाँ पे पढ़ना है. और क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट पढ़ना. इतने टॉपिक्स तो आपको पढ़ने हैं. अब मैं वो टॉपिक्स भी बता देता हूँ जो डिलीट हो चुके हैं. तो डिलीटेड में है सबसे पहला पोस्टर, सेकेंड लेटर और उसमें कौन सा ऑफिशियल और बिजनेस. नंबर 3 डिबेट और नंबर 4 स्पीच. तो ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं और ये टॉपिक बचे हुए जो आप लोगों को करने हैं. तो अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें, सो दो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स इन क्लास 11th ऑल्सो. ये सारे टॉपिक हम लोगों ने 11th में भी डिस्कस किए हुए थे और शुरू का जो नोटिस है, इनविटेशन है, रिप्लाई, एडवर्टाइजमेंट है, ये हम लोग इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन एक बार फिर से हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को फिर से करेंगे, यहीं से करें, क्योंकि हो सकता कुछ लोगों ने उस समय नहीं किया हो. और ये तो ये देखिए मार्किंग कैसे होगी. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज़ फॉर 6 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स. सो 10, 10, 20, 26 एंड 4, 30. तो टोटल मार्क्स आपका 30 हो गया. तो ये इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने 30 मार्क्स के लिए सेक्शन बी में. और सेक्शन ए है आपका दैट इज़ फॉर रीडिंग सेक्शन, वो भी 30 मार्क्स का. वहाँ केवल आपको 2 पैसेज करने होते हैं.
है ना, एक 20 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। तो राइटिंग सेक्शन में मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा क्या पढ़ना है हमें इस साल और क्या नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको बेटा क्लियर हो गया है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है ना? तो आप बताओ बेटा कौन सा टॉपिक इनमें से पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, पहले उसी को मैं उठाता हूँ। कौन सा पढ़ना है या सीक्वेंस में चलता चलो? ओके बेटा, तो फ्रॉम द बिगिनिंग से अगर बात करें तो सबसे पहले आता है नोटिस। ये आप लोग कर भी चुके हैं, 11th में भी किया हुआ है ना, एग्ज़ाम में भी कर चुके हैं, केवल इसी बार का एग्ज़ाम थोड़ा अलग तरीके से था। तो आज हम लोग को शुरू करते हैं सबसे पहले नोटिस, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। सो नोटिस फॉर 4 मार्क्स, 4 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग इसको करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ नोटिस, आपसे कोई पूछता है नोटिस क्या होता है, देन हाउ यू विल डिफाइन इट, कैसे आप डिफाइन करेंगे नोटिस क्या है, कैसे बेटा डिफाइन करेंगे इसको, व्हाट इज़ नोटिस? दो तीन बार तो बेटा, दो बार तो सब लोग पढ़ ही चुके हैं, एक बार 11th में पढ़ा है, फिर 12th में किया हुआ एक बार, सो एटलीस्ट यू हैव डिस्कस दिस टॉपिक 2 टाइम्स। हाँ बेटा, इम्पॉर्टेंट न्यूज, और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज नोटिस? नोटिस सबसे पहले तो ये क्या, इट इज़ एन ऑफिशियल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऑफिशियल मीन्स है कम्युनिकेशन का। क्या होता है ऑफिशियली, वेन एवर एनी न्यूज़ हैज़ टू बी सर्कुलेटेड, कि जब भी ऑफिशियली कोई न्यूज़ को सर्कुलेट करना होता तो क्या किया जाता है, वन नोटिस हैज बीन डिजाइन, एक नोटिस डिजाइन किया जाता है और उसको नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो नोटिस होता है, इट हैज़ बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और इम्प्रेसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स होता है, क्योंकि अगर किसी को नोटिस सर्कुलेट कर दिया जाता है देन द पर्सन हैड टू टेक एक्शन, उस व्यक्ति को एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी है वो करना पड़ेगा। तो एक नोटिस है और नोटिस के जैसा ही सर्कुलर होता है। सर्कुलर जानते हैं बेटा क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि आप जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में छुट्टी होती है या कुछ होता है, आपके क्लास में एक रजिस्टर आता है, उस रजिस्टर में लिखा होता है इन्फॉर्मेशन, टीचर पढ़ के सुना देते हैं, उस रजिस्टर को क्या कहते हैं बेटा जानते हैं? वो रजिस्टर जाना जाता है एज अ सर्कुलर रजिस्टर। उसमें भी तो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, और उसमें भी कोई प्रिंसिपल मान लो दे रहा है, ऑफिशियल है, वही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको नोटिस क्यों नहीं कहा गया बेटा? क्यों वो जो इन्फॉर्मेशन थी, वाई दैट इज़ नोन एज सर्कुलर, उसे सर्कुलर क्यों कहते हैं? अच्छा, सर्कुलर का मतलब क्या होता है ये बताइए, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द वर्ड सर्कुलर, क्या होता है बेटा सर्कुलर, क्या बेटा? यस, इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है यहाँ पे, सर्कुलेट किया जाता है, यही तो है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन, घूमना। और उसमें देखा होगा उस रजिस्टर में ऐसा नोटिस बोर्ड में, क्या नोटिस में क्या होता है, एक बनाया जाता है इन्फॉर्मेशन मैसेज टाइप किया जाता है एंड इट हैज़ बीन पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। तो जो इन्फॉर्मेशन बना के नोटिस बोर्ड पर पेस्ट की जाती है उसे तो नोटिस बोलते हैं। एंड द इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम वन टू अनदर, और वो इन्फॉर्मेशन जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में सर्कुलेट की जाती है उसे सर्कुलर कहते हैं। लिखने का तरीका दोनों का बिल्कुल सेम होता है,
तो देखते होंगे कि क्लासरूम में क्या होता है, एक के एक क्लास पर दूसरी क्लास पर तीसरी क्लास, एक एक करके वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबको सर्कुलेट की जाती है, इसीलिए हम उसे सर्कुलर कहते हैं। और नोटिस क्या होता है, वो सीधा सीधा नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता है। अब जो नोटिस होते हैं, द वर्ड लिमिट ऑफ दिस टॉपिक इज 50 मार्क्स, ये 50 वर्ड्स, जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। एंड इन 50 वर्ड्स यू हैव टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और ये माना जाता है कि 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सो मच कंप्लीट, इन्फॉर्मेशन इतनी कंप्लीट होनी चाहिए दैट नो वन कैन आस्क इवन अ सिंगल क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, कि कोई भी उसके बारे में आपसे एक भी क्वेश्चन ना पूछ पाए। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको दी जानी चाहिए। तो अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम उन पॉइंट्स को लिखें, पहले हम वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके फॉर्मेट पर डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लोग जान सकते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस पुटअप करे जा सकते हैं। तो इसलिए हम वो इन्फॉर्मेशन अगर पहले ही नोटिस पर डाल देंगे तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, है ना। तो सपोज करिए, जैसे आप ही मान लो स्कूल में पढ़ते हैं, आप 15 दिन से स्कूल नहीं आए हुए हैं, और फिर आपको पता चला कि स्कूल में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, क्योंकि आप बहुत दिन में स्कूल नहीं थे। आप स्कूल आएंगे तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहेंगे बेटा, व्हाट यू वांटेड टू नो, क्या जानना चाह रहे होंगे सबसे पहले? हाँ, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमें बताना होता है व्हाट, ये याद रखना है कि सबसे पहले हमें बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, क्या होने वाला है। सपोज करिए आपको पता चल गया कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पहला तो आपने व्हाट पूछ लिया, टू होम, इसमें क्या टू होम एनुअल, When, yes, yes, when आएगा, ये पता चल गया। चलो एनुअल फंक्शन है तो दूसरा क्वेश्चन इमीडिएट ये बताओ कब होना है, किस डेट में होना है, यही तो पूछेंगे। सो सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज when, सेकेंड जो पॉइंट याद रखना होता है when, पता चल गया चलो इतने सेप्टेम्बर है, इतने अक्टूबर को है। थर्ड पॉइंट आप क्या जानना चाहेंगे? यस, वेयर, कहाँ होगा, स्कूल में होगा, कहीं बाहर होगा, चलो वेयर हो गया। चलो एक फोर्थ पॉइंट का ये पता चल गया, स्कूल में एनुअल फंक्शन है, 15 अक्टूबर को होना है, स्कूल ग्राउंड में होना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या जानना चाहेंगे? चीफ गेस्ट, चीफ, हाँ, हाउ टू अप्लाई, क्योंकि अगर आप उसमें इंटरेस्ट, क्यों मुझे अभी यार पार्ट लेना है, क्या करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे आप हाउ से ले सकते हैं, दैट हाउ टू अप्लाई। तो मोस्टली ये 3 पॉइंट्स आपको, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, और उसके बाद हाउ, ये पार्टिसिपेशन का पूरा आ जाता है कि कैसे आपको पार्टिसिपेशन लेना है, कैसे आपको एक्ट करना, वो पूरा इसमें दिया जाता है। तो ये तो हुए आपको जो पॉइंट्स बताने होते वो। अब इसमें क्या क्या देखा जाता, क्या क्या लिखा होना चाहिए, तो एक तो सबसे पहले लिखा होता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, वो उसका लिखा होना बहुत ज़रूरी है कि भाई इशू किसने किया है। पहले ये नोटिस का जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेट होना चाहिए, डेट चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट है टॉपिक चाहिए होता है। तो ये पॉइंट्स भी देखे जाते हैं कि किसने, कौन इशू कर रहा है, वो हमें जानना होता है। इशूइंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जो उस नोटिस को इशू कर रहा है। जैसे आपके स्कूल के बिहाव से कोई नोटिस इशू हो रहा है तो इशूइंग अथॉरिटी कौन होगा बेटा? अगर आपका स्कूल कोई नोटिस इशू कर रहा है तो इशूइंग अथॉरिटी कौन हुई उस नोटिस की? हाँ, स्कूल होगा, स्कूल का नाम डाल देंगे। तो इसी प्रकार से जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन उस नोटिस को इशू करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, वो इशूइंग अथॉरिटी में आ जाता है। डेट भी डालना होता है, टॉपिक भी डालने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है जो उसमें डालने होते हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। और जो वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स होते हैं, एंड इन 50 वर्ड्स यू हैव टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं नोटिस के फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट का भी एक नंबर यहाँ पे मिलता है।
तो देखिए अगर फॉर्मेट की बात करें तो जैसे बताया सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर नेम ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और रनिंग में भी जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। इसके बाद आपने ऊपर मान लो स्कूल की तरफ से था ऊपर डाल दिया ABC पब्लिक स्कूल, मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल, वॉट एवर यू हैव कैप्ट देयर, जो भी क्वेश्चन में दिया रहा वो आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड मार्जिन पर यहाँ जाके आप क्या डालेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर डेट डाल देंगे। और डेट का फॉर्मेट जो अभी तक आप लोग करते आए हैं लेटर्स में, जैसे आज है, इस फॉर्मेट में डेट नहीं डलनी चाहिए वहाँ पर। जो फॉर्मेट कौन सी डलेगी, 21 सितंबर 20 या सितंबर 21 20, इन दोनों फॉर्मेट में आप डेट डालेंगे। इस फॉर्मेट में आप डेट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप ये डेट डाल देंगे। डेट के बाद क्या करना, या तो यहाँ पर डेट डालो या तो इसी लाइन में आप नोटिस लिख सकते हो या फिर नीचे की लाइन में आप लिखेंगे नोटिस। नोटिस लिख दिया, उसी के नीचे आप क्या लिखेंगे, जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक लिख देंगे। तो आप लोग एक याद रख रहा है दैट यू शुड नॉट लीव इवन अ सिंगल लाइन हियर, यहाँ पे एक भी लाइन नहीं छोड़ना। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, चार लाइनों में ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप लाइन स्पेस दे दीजिएगा, ये आपका लाइन स्पेस है। लाइन स्पेस देने के बाद जो डेट लिखा हुआ इसके नीचे से यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे जो नोटिस होगा आप। फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट राइटिंग। सपोज करिए आपका नोटिस यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, अगेन यू विल गिव अ लाइन स्पेस, फिर से आप एक लाइन स्पेस देंगे। और लाइन स्पेस देने के बाद यहाँ डेट लिखा था उसी के नीचे बाई, और बाई करके साइन, मीन्स जो आपकी पर्सनल बताया गया आप कौन है अथॉरिटी में, यू आर प्रिंसिपल, यू आर मैनेजर, यू आर सेक्रेटरी, है ना, यू आर प्रेसिडेंट, जो भी है वो यहाँ पे साइन कर देंगे। और उसके बाद आप इसको चाहेंगे तो बॉक्स में, मैंडेटरी नहीं होता है बॉक्स में बंद करना, लेकिन कर देते हैं तो एक आउटलाइन मिल जाता है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो ये फॉर्मेट है लिखने का, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है बेटा, कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं करना। इशुइंग अथॉरिटी का नाम डाल दीजिए, जो भी अथॉरिटी है, उसके बाद डेट डाल दीजिए। डेट के बाद क्या करना है, नोटिस हेडिंग डाल दो, उसके बाद टॉपिक लिखिए, और टॉपिक के बाद लाइन स्पेस देके जो भी आपका नोटिस है वो नोटिस, और यहाँ पे वो जो चार पॉइंट्स बताए हैं वो यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, वो चारों पॉइंट्स यहाँ पे उनको इंक्लूड करेंगे, है ना, और उसके बाद उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो लिख लीजिए बेटा, नोट करिए इसको, नोट इट डाउन। और जब नोट कर लें तो बता दें बेटा। हो गया बेटा, कर लिया कंप्लीट। कंप्लीटेड। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ लो।
Anyone has any problem up to here? ठीक है, तो इसको टॉपिक को पढ़िए, कल हम इसके आगे कैसे लिखना है वो लैंग्वेज भी कल हम लोग करेंगे, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।